कोरबा में सर्पदंश से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जिला अस्पताल पर फिर लगा लापरवाही का आरोप। दरअसल सर्वमंगला मंदिर परिसर में रहने वाले एक घर में दुखों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब उसके घर का चिराग मौत के आगोश में समा गया। करीब रात्रि 2 बजे जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके तुरंत बाद घर वाले जिला अस्पताल पहुंचे, पर वहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ने उपचार करने में बहुत देर कर दी, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। घर वालों की माने तो बच्चा बच सकता था, पर जिला अस्पताल में लापरवाही बरता गया, जिसके कारण एक घर का चिराग नहीं रहा। जिला अस्पताल की लापरवाही इससे पहले भी सामने आई है, इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। रात को 2 बजे सांप काट दी से, ओकर बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने नॉर्मल बटन वटन कुछ नहीं ले गई से, 2-2.5 घंटा रख दी से। ओकर बाद बटन चढ़ी से तो बटन में पानी वानी कुछ नहीं की से बंद कर जा, खत्म करके रोक दी से। बच्चे जिंदा इस हिचकी याद रही से होगा जी। डॉक्टर लोग के मेरे बच्चे को बचाने नहीं जा। हाँ सर, क्या 2 बजे रात को खाए लोग देखे हैं बच्चा को कुछ काट लिया है, करके देखे तो शायद सांप ही काटा था। और उसके बाद लोग तुरंत आनंद फनन में ना हॉस्पिटल लेकर गए हैं, यहाँ 100 बेड हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर लोग ना कोई देख नहीं रहा था, सब इधर सुधर हो रखे। लोग बोल रहे थे कि इलाज कराना है, ऐसा है करके। फिर पता नहीं 2 घंटा बाद में कोई आया और वाटर चढ़ाकर अभी जो बताई है दीदी वैसे किए हैं। हम लोग खुद बच्चे को नहीं देख पाए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।